आज मैं कुछ फन करने वाली हूँ बिकॉज आज मेरा डे आउट है. तो आज का दिन थोड़ा इवेंटफुल रहने वाला है इन द सेंस कि कुछ कुछ चीजें होती रहेंगी. मैं आपको बताऊंगी नहीं कि क्या होने वाला है बिकॉज आई हैव प्लान्ड आउट थिंग्स. डेफिनेटली कुछ लुक में चेंज होगा. पब्लिकली मैं व्लॉगिंग करूंगी तो मुझे थोड़ा डर लग रहा है रिएक्शन से लोगों के. अच्छा आज मैं बाहर जा रही हूँ तो आई एम जस्ट गोना यूज दिस एंड आई विल सी हाउ इट वर्क्स. लेट्स सी इसको यूज करते हैं फिर आई लेट यू नो. अनियन एंड होबा ऑयल है इसके अंदर तो प्रिटी प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर. बाकी चीजें मैं इसकी वेबसाइट पे जाके देख लूंगी. सो या इतनी गर्मी हो रही है बाहर पैर नहीं रख सकते आप बाहर. मतलब इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है बट नंदलेस हम तो बाहर जा ही रहे हैं आज. आई थिंक मुझे तो 3 बजे तक पहुंचना भी है बाहर. आई एम जस्ट गोना गो. मुझे अपना ये भी ट्राई करना है इसका रिव्यू भी देना है. सो या आई एम गोना डू माई स्किन केयर जल्दी से बिकॉज़ वी डोंट हैव टाइम. सो या एक बार बाल सूखते हैं स्कैल्प देखते हैं उसके बाद बात करते हैं. मैं इनमें से कुछ पहनने वाली हूँ. दीज पैंट्स आर फ्रॉम ज़ारा एंड दिस इज़ फ्रॉम मैंगो एंड ट्रस्ट मी क्वालिटी वाइज जस्ट क्वालिटी वाइज बोल रही हूँ मैं. मैंगो इज़ 100 times बेटर देन ज़ारा बिकॉज इसकी क्वालिटी इन पैंट्स ने मुझे भाई रुला दिया. इसकी क्वालिटी मैं जैसे तीसरी बार पहन रही हूँ इसका कलर निकल गया है. इज़ फ्रॉम मैंगो एंड दिस इज़ फ्रॉम H&M. सो H&M इज़ गुड. मैंगो इज़ गुड. ओके इग्नोर द मेस बट ये कुछ ऐसा लग रहा है. सी ये पैंट्स अच्छी लगती हैं नो डाउट. लाइक पैंट्स अच्छी हैं भी बट भाई इनकी क्वालिटी. लेट्स सी बाल मेरे सूख गए हैं. सो या लेट्स गेट बैक टू द हेयर वाला थिंग. बैक टू द शैम्पू का थिंग कि मैंने नया शैम्पू यूज़ करा है सनसिल्क. मैंने इसको नायका से ऑर्डर करा था एंड इसके बारे में ज़रा इसकी वेबसाइट पर ज़रा देख लेते हैं. ये मेरे फर्स्ट इंप्रेशन है अबाउट द शैम्पू. इसमें अनियन होहोबा ऑयल है सो दैट इज रियली नाइस. प्लस ये इसका 370 ml 290 rupees का विच इज अगेन वेरी वेरी नाइस. बहुत ही अमेजिंग प्राइस है. आई लिव यू वट आई फेल्ट इसको यूज करने के बाद. देर आर नो एडेड पैराबेंस. 90% नेचुरली डिराइव्ड एंड ये फोकस कर रहा है हेयर फॉल पे. इस शैम्पू को यूज करने के बाद मेरे फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि मेरा स्कैल्प क्लीन हो गया. फोम बहुत अच्छे से कर रहा था. स्मेल भी इसकी अच्छी है ठीक है. बाल डेफिनेटली सॉफ्ट फील कर रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट आई फेल्ट. आई लाइक दिस. सो या लेट्स गेट इन टू द वीडियो एंड लेट्स कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द डे. मैं ना कोई मौका नहीं छोड़ती अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनाने का. सो ये मोमोलैंड को फर्स्ट टाइम सुन रही थी एंड फाइनली मैंने इसको कोई गाना पसंद करवा दिया. मतलब ग्रोइंग अप ना हम दोनों की प्लेलिस्ट सेम होती थी. आई एम सो वांटेड कि उसको कोई केपॉप सॉन्ग पसंद आए. और हम मॉल की तरफ जा रहे हैं. माय आउटफिट इज मॉल में बहुत भीड़ थी और इतनी ज्यादा नॉइज हो रही थी ना. मतलब मैं चाह के भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी बट हम लोग यहाँ बैठे हमने कुछ ऑर्डर करा एंड हमने खूब सारी चिट चैटिंग करी. इनफैक्ट हम लोग अपनी ट्रिप का डिस्कशन कर रहे थे. दोस्तों के साथ बैठो ना तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता. क्या कर रहे हैं मेरा आई डोंट नो. शिवानी कोई गेम खेल रही है. शिवानी डांसिंग व्हाट शिवानी किसी बच्चे के साथ गेम खेल रही है. ओह माय गॉड मॉल सैटरडे संडे चले जाओ ना बस. मतलब इतनी भीड़ थी ना. सो मैं सिफोरा गई एंड मैंने वहां से स्किन केयर लिया एंड उसके बाद हम गीतांजलि सैलून ढूंढने लगे. वहां पे मेधा को कुछ काम था. मैं अपना फोन पकड़ के व्लॉगिंग ट्राई कर ही रही थी बट लोगों के मिक्स्ड रिएक्शन. आई एम सो न्यू टू व्लॉगिंग बट आई हैड टू शेयर दिस क्लिप विद यू क्योंकि मुझे बहुत मजा आया. ऑनेस्टली पब्लिक में जो लोग व्लॉगिंग करते हैं ना उन्हें देख के मुझे इतना मजा आता है. यू लिटरली हैव टू बी लाइक कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई आपको देख रहा है नहीं देख. मतलब कुछ लोग तो लिटरली खड़े होके मुझे देखने ही लग गए कि क्या हो रहा है. आधे रिएक्शंस तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई. ये अंकल आंटी की मुड़ मुड़ के देख रहे हैं. आ गया गीतांजलि आ गया. यस
मैंने रिकॉर्ड करते हुए ध्यान भी नहीं दिया, यू नो अब हम सालों तो घुस गए थे बट हम सब भूल गए थे कि हमारे को मूवी देखनी थी इसके बाद। बात जो हम भागे हैं ना, लेट हो गए। हम मूवी के लिए लेट है गाइस। मूवी का शो 6:15, 6:40 तक हम बाहर ही हैं। ओह शिट, हम जस्ट अभी घुसे हैं। हंसते हंसते पेट में इतना दर्द हो गया था ना। भूल भुलैया पार्ट वन अक्षय कुमार एंड पार्ट टू में कार्तिक आर्यन की एक्टिंग, वाह मतलब मजा ही आ गया। ओके ओके, हमारी मूवी हो गई है एंड अब हम बाहर निकल रहे हैं। तो हाय, इतनी अच्छी वेदर इन नोएडा, जस्ट नॉट पॉसिबल गाइस। पीछे बहुत शोर हो रहा है, प्लीज इग्नोर। अच्छा, ये जो मैंने आउटफिट पहनी है ये मैंने अभी रिसेंटली ली है ज़ारा से। ये पैंट्स जो थी ये इनको मुझे ज़रा देखना है बिकॉज ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। इनकी प्राइस के साथ इनकी डिटेल्स या फिर इनके लिंक सारे के सारे मैं मेंशन कर दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो मैं कर दूंगी, जनरली आप लोग चाहते ही। तो आप लोग भी इसको ट्राई कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइस।